श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज के दिन यानी कि 7 अगस्त बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि आज का दिन हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, तो आज जो है वो हरियाली तीज का दिन है। इस दिन आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, पर अगर आपने इस एक उपाय को कर लिया दोस्तों, तो आपके घर में जो भी समस्या है लड़ाई झगड़े की, अगर कोई भी आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, घर में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, एकता नहीं है और खुशियों की बहुत कमी हो गई है, हर छोटी छोटी बात पर कोई ना कोई आर्ग्यू करता रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है, कोई गुस्सा रहता है, तो आपको इस उपाय को करना ही करना है। दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ जानकारी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, क्या करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं वीडियो में पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आपके भी घर में प्रेम की कमी हो गई है, खुशियों की कमी हो गई है, आपके घर में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, बच्चे झगड़ते रहते हैं, भाई बहनों का आपस में प्रेम नहीं बचा है, तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। कोई भी एक घर का सदस्य इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है जो आपने अगर आज के दिन कर लिया तो आपके घर में खुशियों की बारिश होगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े जो है पूरी तरह से खत्म और समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, करना क्या है, आपको लेना है हरा मूंग। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हरा मूंग लेना है, कोई गिनती नहीं है यहाँ पर कि कितने लेने हैं, थोड़ा सा आप 1 चम्मच हरा मूंग ले लीजिएगा। उसके साथ आपको लेना है बहुत ही प्यारा सा बेलपत्र, जो कि महादेव को सबसे प्रिय होता है, एक प्यारा सा बेलपत्र आपको महादेव को लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपको लेना है एक समी पत्र, सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा सा समी पत्र आपको लेना है। समय पत्र कैसे लेते हैं ये सभी मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक बेलपत्र लेना है आपको, एक समय पत्र लेना है मित्रों, और साथ ही साथ आपको लेना है कुछ हरे मूंग के दाने। इसके साथ आपको एक मिट्टी का दिया भी लेना है मित्रों। मिट्टी का दिया आप नया भी ले सकते हैं या फिर पुराना, आपने जो जला लिया है उसको आप साफ करके धुल के भी उस मिट्टी के दिए को यूज कर सकते हैं। तो बस इतना ही कुछ आपको लेना है और इसके साथ ही पहुंच जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। दिन में हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, बस इतना लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, साथ ही साथ एक लोटा जल जो है तांबे के पात्र में, वो भी आप अपने घर से लें तो बहुत अच्छी बात है मित्रों। वहां पहुंच करके क्या करना है, सबसे पहले जो आपने समी पत्र लिया है मित्रों, वो आपको समर्पित करना है, और कहां समर्पित करना है वो समझ लीजिए। जो भगवान का शिवलिंग स्थापित होता है, जहां माता का कटी भाग होता है, उस स्थान के बाद हमारी जो होती है जलाधारी की तरफ माता अशोक सुंदरी, तो माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में, कटी भाग और अशोक सुंदरी के बीच का जो स्थान होता है उसको खाली स्थान कहा जाता है, और उस खाली स्थान पर ही आपको जो है वो अपना समी पत्र समर्पित कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपने जो प्यारा सा एक बेलपत्र लाया है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। वो शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, ध्यान रखना है कि जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एक लोटा जल जो है वो चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, चंद्रेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए आपको उस एक बिलपत्र को, साथ ही साथ एक लोटा तांबे का जो जल आप लेके गए हैं तांबे के पात्र में, उसे महादेव को समर्पित कर दीजिए। अब जो हमारा हरा मूंग बचता है दोस्तों, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, तो करना क्या है फिर इस मूंग का, बताते हैं वीडियो में। आपको इस हरे मूंग को जो आपने मिट्टी का दिया लिया है मित्रों, उस दिए में हरे मूंग को रख करके आपको वहां भगवान के शिवलिंग के समीप, मैंने अपने कल के वीडियो में भी जानकारी दी थी कि शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी के ऊपर कुछ भी समर्पित नहीं करते हैं, फल हो या कोई मिष्ठान हो, आपको भगवान को टच करके उसे नीचे रखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो उस गलती को ना करें मित्रों। आपको वो जो भी भोग है, जो हरा मूंग आप लेकर गए, वो भगवान को टच करके वहाँ नीचे रख देना, वहाँ समर्पित कर देना भगवान को,
और अपना हाथ जोड़कर घर के परिवार के लोगों के नाम और गोत्र लेकर, वो व्यक्ति जो आपसे रुष्ट है, जो आपसे झगड़ा करता है, उसका नाम और गोत्र लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना मित्रों। बस एक छोटा सा उपाय, इतना करने मात्र से आपके रिश्तों में, आपके परिवार में प्रेम ही प्रेम होगा। चलिए दोस्तों, ये उपाय मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में एक छोटे से दूसरे उपाय के बारे में, जिसमें आपको क्या लेना है। और ये उपाय भी मित्रों आपके घर के परिवार के प्रेम और खुशियों के लिए है। तो आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है। चंदन मतलब वो लकड़ी वाला भी हो सकता है, पाउडर वाला भी हो सकता है। और अगर ये बिल्कुल ना मिले तो सबसे आसान सा है कि आप ले लीजिएगा लाल रोली, जिसको हम बोलते हैं, वो तो सभी के घरों में होता है। तो लाल रोली का पाउडर ले लीजिएगा आप, ठीक है। और उसका आपको घोल बना लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे लाल रोली का। और आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, चाहे वो जमीन में गिरा हुआ हो या फिर आपने पेड़ से तोड़ा हो, कोई भी एक पीपल का पत्ता ले लीजिए दोस्तों। और उस पीपल के पत्ते पर जो आपने लाल पाउडर है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाल पाउडर, वो आपको लाल चंदन से घोल करके 5 बिंदियां लगानी है। कोई नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बस 5 बिंदियां उस पीपल के पत्ते पर लगाना है मित्रों। सुबह दोपहर शाम आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और उसके बाद वो पीपल के पत्ते को अपने पूरे घर में घुमाना है, सारे रूम्स में, सारे घर में आप उस पीपल के पत्ते को घुमा लीजिए मित्रों। और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को लेकर के पहुंच जाना है आपको वट वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे मित्रों? वट वृक्ष, जिसको हम बरगद का वृक्ष कहते हैं, वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। और इस एक पीपल के पत्ते को आपको वहां वट पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। और नाम ध्यान रखिएगा कि क्या बोलना है आपको वहां पे, वटकेश्वर महादेव के नाम का ध्यान करना है दोस्तों। फिर से एक बार दोहराती हूँ, वटकेश्वर महादेव का नाम का ध्यान करते हुए उस एक पीपल के पत्ते को आपको वहां पर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप पीपल के पत्ते को समर्पित करते हैं तो उसकी जो डंडी है वह आपकी तरफ होनी चाहिए, और पीपल के पत्ते का भाग जो है वो पेड़ की तरफ होना चाहिए मित्रों। बस एक इतना सा छोटा सा उपाय कर करके, आपको हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करके, अपनी इच्छा बोल करके कि हे प्रभु हमारे घर में खुशियां प्रेम बना रहे, ऐसा बोल करके आप अपने घर वापस आ जाइए मित्रों। यकीन मानिए कि अगर आज के दिन 7 अगस्त, ठीक है, हरियाली तीज जो है, इसके दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में प्रेम ही प्रेम होगा। पति पत्नी के जो झगड़े, ऐसा है कि अगर पत्नी नहीं सुनती या पति नहीं सुनता एक दूसरे की, बच्चे नहीं सुनते, भाई बहनों में प्रेम नहीं है, तो इस उपाय को आज के दिन आप सभी को करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो में जो जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसकी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। एंड सब्सक्राइब सभी को करना है दोस्तों, जो वीडियो पर मेरे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो में मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय, नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल।